क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए हमारी YouTube चैनल क्रिक उर्दू को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिक उर्दू। दोस्तों मैं अपने चैनल क्रिक उर्दू में एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों एक खिलाड़ी 3 साल बाद एक टीम में शामिल हुआ है, जो कि ये उस टीम के लिए बहुत ही खुशी की बात है। 3 साल बाद अफगान टीम में वापसी के लिए जो हमीद हसन की खुशी है, वो यकीनन अफगान अवाम के लिए बहुत ही मुफीद है। दोस्तों अफगानिस्तान ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। गुलबदीन नाइब वर्ल्ड कप में अफगान टीम की क़यादत करेंगे, जो कि गुज़श्ता दिनों अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने असगर अफगान को क़यादत से हटा दिया था, लेकिन उन्हें बहैसियत खिलाड़ी वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया है, जबकि फास्ट बॉलर हमीद हसन की 3 साल बाद टीम में वापसी हुई है। हामिद हसन 2016 के बाद से इंजरी मसाइल से दो चार थे और वो अब तक मुकम्मल फिट नहीं हैं। अफगानिस्तान टीम में गुलबदीन नाइब, मोहम्मद शहजाद, नूर अली जरदान, हज़रतुल्लाह जज़ई, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, नजीबुल्लाह जरदान, समीउल्लाह शनवारी, मोहम्मद नबी, राशिद खान, दौलत जरदान, इसी तरह आफ्ताब आलम और मुजीबुर्रहमान शामिल हैं। वर्ल्ड कप में अफगान टीम अपना पहला मैच 1 जून को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी।